डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई मिस्टर फातिमा, टीचर प्राइमरी स्कूल प्रोजेक्ट महला। आज की जो मेरी क्लास है वो तीसरी जमात के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन नाउन इज ए नेम of a person, a place, an animal or a thing for easy, wrong, book, boy, daily, etc. ठीक है, तो हमने क्या लिखा? नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग फॉर राम, बुक, बॉय, दिल्ली, ईटीसी, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो इसकी कितनी किस्में होती हैं? पांच किस्में होती हैं। नंबर वन क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन। सबसे पहले क्या है? कॉमन नाउन। उसके बाद दूसरी क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद क्या है? तीसरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद फोर क्या है? मटेरियल नाउन। उसके बाद क्या है पांचवा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी क्या है? पांच किस्में हैं। सबसे पहले हम टच करते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज ए नाउन विच टेल्स अस अबाउट common things or person। example क्या है इसकी? एग्जाम्पल्स क्या है? ए बॉय, ए बॉय, ए हॉर्स, उसके बाद क्या है? ए बुक, है ना, ए टी सी। उसके बाद क्या हम लिखेंगे दूसरा? प्रॉपर नाउन क्या होता है ना? प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो हमने कॉमन नाउन लिखा है ना। कॉमन नाउन इज ए नाउन विच लेट्स अस अबाउट कॉमन थिंग्स और पर्सन। तो क्या है एग्जांपल? ए बॉय, ए हॉर्स, जो किसी एक चीज के साथ है ना, मखसूस चीज। ए बॉय, ए हॉर्स,
ए बुक ईटीसी। उसके बाद क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर है ना पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। फॉर एग्जांपल आ गया न्यूयॉर्क, है ना। फिर उसके बाद क्या है मंडे, वगैरह वगैरह। तो क्या है प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस, ऐसी जगह जो किसी एक नाम से मशहूर है ना, जैसे न्यूयॉर्क, मंडे, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, जैसे न्यूयॉर्क, मंडे, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, इंशाल्लाह कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वस्सलाम।